सो हेलो गाइस, वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यश, आप से देख रही है यश आर्ट यूट्यूब चैनल। सो आज हम हमारी पहली क्लास पेंटिंग की ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो ये है हमारा फ़ोटो फ्रेम, इसमें से हम फ़ोटो निकालेंगे, फ्रेम के ऊपर ड्रॉ करेंगे यानी ग्लास के ऊपर। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास पेंटिंग होने वाली है। ये आपको फ्रेम अपने घर में मिल जाएगा, आप भी पहली बार ट्राई कर सकते हैं। हम दूसरे फ़ोन के ऊपर फ्लैश ऑन कर देते ताकि क्लियरिटी अच्छी आए वीडियो में। पहले वीडियो में क्लियरिटी सही नहीं अपलोड होती, पता नहीं क्यों। वैसे चलो निकालते फ्रेम, आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करना ये ग्लास पेंटिंग। तो हम निकालते भी, एक स्केचर के लिए ग्लास पेंटिंग ड्रॉ करना बहुत हार्ड हो सकता है, मतलब वो ग्लास पेंटिंग बहुत पेंटिंग ही बहुत टाइम बाद करता है, इसलिए ग्लास के ऊपर ड्रॉ करना तो थोड़ा और मुश्किल लगता है। स्केच में पेंसिल के ऊपर ही वर्क करना रहता है, बस पेज के ऊपर ही। जैसे कि तो हम इसे साइड में रखते हैं, ये फ़ोटो वोटो निकाल लिया, ग्लास निकालना मतलब बहुत ईजी था। तो ठीक है, फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं वर्क। तो हम पीकॉक ड्रॉ करने वाले हैं। ये बुक है हमारी स्केच की, स्केच बुक के ऊपर हम पीकॉक रखेंगे, फिर पीकॉक के ऊपर मतलब ग्लास रखेंगे, फिर हम उसके ऊपर पेंट करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, हमारी और भी स्केच की वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। एनिमे का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आप कितने स्केच बना के रखे, और भी मार्वल्स के भी बहुत भी स्केच बने। तो इसके ऊपर हम वाटर कलर यूज़ करने वाले, ये है वाटर कलर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। ये हमारी फर्स्ट ड्राइंग होने लगे, तो देखते हैं कैसा होता है स्केचर से एक ग्लास। Thank you.
सो गाइस, हमारा क्लास फ्रेम पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा फर्स्ट पेंटिंग था, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इतनी डिटेलिंग वर्क नहीं है इसमें। तो फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरा पहला वीडियो था जिस पे मैंने बोलते हुए वीडियो बनाया है। ये देखो, बैक में इतना कलर लग रहा था, बट इसको सीधा करके देखा तो सही से दिख रही है ड्राइंग। एंड पीकॉक का ऑपोजिट मिरर है, मिरर भी दिख रहा है इसमें। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्यूअर, तब तक के लिए बाय बाय।